हम अपने आसपास जो भी चीज़ें देखते हैं उनमें से ज़्यादातर चीज़ें सॉलिड स्टेट में होती है, और इस चीज़ का ग्लिम्स हमें पीरियोडिक टेबल में भी दिखता है। रूम टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर में सिर्फ 11 एलिमेंट्स ऐसे हैं जो कि गैसेस स्टेट में होता है, और सिर्फ 2 एलिमेंट्स लिक्विड स्टेट में होता है, और बाकी जितने भी एलिमेंट्स हैं जिनके स्टेट्स के बारे में हमें नॉलेज है वो सारे सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो डे टू डे लाइफ में हम सबसे ज़्यादा डील तो सॉलिड्स के साथ ही करते हैं, और सॉलिड से हमारा डिमांड भी बहुत अलग अलग तरह का है। जैसे कि मान ले कोई ब्रिज अगर कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो या कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट किया जा रहा हो, तो हम चाहते हैं कि उसका स्ट्रक्चर स्ट्रांग बने, काफ़ी स्ट्रांग बने, और साथ ही साथ वो ऐसा हो कि वो अर्थक्वेक और बड़े तूफान को भी झेल पाए, मतलब वो लचीला भी हो उस हिसाब से, स्ट्रांग भी हो और लचीला भी हो। हम ये चाहते हैं कि एक क्रेन का केबल ये भारी ऑब्जेक्ट्स को उठाते समय ये टूट ना जाए। हम ये भी चाहते हैं कि कार्स का जो आउटर शील्ड है वो हल्का से हल्का हो ताकि इसका जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा बढ़े। हमारा डिमांड एक रबर बैंड से ये भी होता है कि वो स्ट्रेचेबल हो, वो ज़्यादा स्ट्रेच कर पाए। जूतों से हमारा डिमांड ये होता है कि उसका जो सोल हो वो कुछ ऐसा बने कि वो फ्लोर के साथ ज़्यादा से ज़्यादा फ्रिक्शन क्रिएट कर सके। हम ऐसे मटेरियल्स भी ढूंढते हैं जिसका इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कम से कम हो। हम ऐसा भी ग्लास बनाना चाहते हैं जो कि हाइड्रोफोबिक हो, जिसे कि हम कार के विंडशील्ड में यूज़ कर सकें। ये तो एक छोटा सा लिस्ट है, ऐसे तमाम हज़ारों किस्म की डिमांड हमारी होती है सॉलिड्स के साथ। तो सॉलिड्स के अलग अलग तरह के बिहेवियर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, यूज़ करने के लिए हमें सॉलिड्स के प्रॉपर्टीज़ के बारे में जानना होता है। देखिए, इससे पहले पिछले क्लासेस में आपने सॉलिड्स के कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, जैसे कि सॉलिड्स का डेफिनेट वॉल्यूम और शेप होता है। जैसे इस सॉलिड बार को ही कंसिडर कर ले, इसे आप एक नैरो कंटेनर में रखें, बड़े कंटेनर में रखें, या फिर इसे टेबल के ऊपर रखें, या फिर ज़मीन पर रखे, इसका शेप ऐसा ही रहेगा और इसका वॉल्यूम इतना ही रहेगा। लेकिन ये चीज लिक्विड और गैसेस के लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको पता ही होगा लिक्विड को जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी का शेप ले लेता है, भले ही उसका वॉल्यूम सेम रहे। और गैसेस के साथ तो ये होता है कि वो जिस कंटेनर में रखा जाता है वो उसी का शेप अटेन कर लेता है, और इसका वॉल्यूम भी उस कंटेनर के वॉल्यूम के बराबर हो जाता है। अब देखें, ये जो सॉलिड्स है इसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस ये बहुत छोटा होता है, बहुत कम होता है, मतलब कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है, चाहे वो एटम्स हो या फिर मॉलिक्यूल्स हो या आयन्स हो, जो ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस है, ये इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स काफ़ी ज़्यादा होता है जो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को जो फोर्स बाइंड करके रखा हुआ है वो फोर्स बहुत ज़्यादा होता है। इसी के कारण ये जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसका एक फिक्स्ड पोजीशन होता है, ये उस पोजीशन को छोड़ के जा नहीं सकता है, क्योंकि ये वेरी स्ट्रांगली, बहुत स्ट्रांगली ये अपने नेबरिंग कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के साथ बाउंड होता है। और साथ ही साथ चूंकि ये पार्टिकल्स बहुत क्लोज होते हैं, इसका इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है, इसीलिए इसे कंप्रेस कर पाना बहुत मुश्किल होता है, ये बहुत कम कंप्रेसिबल होता है। हम तो ये नहीं कहते हैं कि ये पूरी तरह से इनकंप्रेसिबल है। हम जो भी चीज़ें देखते हैं, जो भी मैटर देखते हैं, उनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है जो पूरी तरह से इनकंप्रेसिबल हो। सॉलिड्स के केस में हम ये कह सकते हैं कि ये बहुत कम कंप्रेसिबल होता है, क्योंकि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है ये बहुत बहुत क्लोज रहता है, तो कंप्रेस करने का स्कोप ही कम रहता है।
जबकि लिक्विड्स और गैसेस के केस में ऐसा नहीं होता, इसके इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस इतना कम भी नहीं होता है। गैसेस के केस में तो इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होता है और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स भी इनमें कम होता है, इसीलिए जो लिक्विड्स हैं और गैसेस हैं ये फ्लो कर पाता है, इसके मॉलिक्यूल्स जो है फ्लो कर सकता है, यहाँ से यहाँ वहाँ से यहाँ मूव कर सकता है। सॉलिड्स के केस में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ एक ही फिक्स्ड पोजिशन में रहता है, इसे अगर बाहर से एनर्जी दिया जाए तो ये सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है किसी एक डायरेक्शन में, ये सिर्फ ऑसिलेट कर सकता है। जबकि लिक्विड और गैसेस के केस में मॉलिक्यूल्स जो है इधर उधर रैंडम डायरेक्शन में मूव कर सकता है, क्योंकि इसका जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत कम है। तो ये तो कुछ कॉमन बिहेवियर या कॉमन प्रॉपर्टीज हम सॉलिड्स के कह सकते हैं, लेकिन जैसे हमने पहले बात किया कि सॉलिड से हमारा तमाम तरह का डिमांड होता है, अलग अलग डिमांड होता है, ये इसलिए हम कर पाते हैं क्योंकि सॉलिड्स की प्रॉपर्टीज जो हैं ये प्रॉपर्टीज वाइडली वेरिंग होता है, बहुत डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज हमें मिलता है। जैसे कि हमें ऐसे भी सॉलिड्स मिलता है जिसका कि इलेक्ट्रिकल कंडक्टेंस बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे भी सॉलिड्स है जो कि बिल्कुल करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को कंडक्ट नहीं करता है, ऐसे सॉलिड्स है जो कि बहुत चमकीला होता है, ऐसे भी सॉलिड्स है जो कि बहुत डल होता है, हमें ऐसे भी सॉलिड्स मिलते हैं जो कि बहुत ही लचीला होता है, हमें ऐसे भी सॉलिड्स मिलते हैं जो कि बहुत रिजिड और ब्रिटल होता है, हमें ऐसे भी सॉलिड्स मिलते हैं जो कि बहुत डक्टाइल है जिसे हम वायर बना सकते हैं, और ऐसे भी सॉलिड्स मौजूद है जिससे कि वायर नहीं बनाया जा सकता है, हमें ऐसे भी सॉलिड्स मिलते हैं जो कि बहुत मैलिएबल है जिसे कि हम ठोक ठोक कर हम शीट्स बना सकते हैं, और ऐसे भी सॉलिड्स मिलते हैं जो कि मैलिएबल नहीं है। तो ऐसे वाइडली वेरियंग प्रॉपर्टी होता है सॉलिड्स के, इसके पीछे तीन फंडामेंटल रीजंस है, उनमें से एक है जिन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से सॉलिड बना हुआ है उन पार्टिकल्स का नेचर कैसा है। एक रीजन ये भी है कि जो बाइंडिंग फोर्स उन पार्टिकल्स को बाइंड करके रखा है वो बाइंडिंग फोर्स कितना स्ट्रांग है, इस पे भी सॉलिड्स का प्रॉपर्टी डिपेंड करता है। और साथ ही साथ इस चैप्टर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि जो भी कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो जिस फॉर्म में है, जिस फॉर्म में खुद को अरेंज करके रखा है, वो स्ट्रक्चर कैसा है। इस चैप्टर में हम थोड़ा बहुत बात करेंगे बाइंडिंग फोर्सेस पे और बहुत सारी बातें हम करेंगे इसके स्ट्रक्चर पे। तो बाइंडिंग फोर्सेस से हमारा मतलब यही है कि इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को बांधे रखने वाला फोर्स, एक साथ रखने वाला फोर्स। तो ये बाइंडिंग फोर्स जो है इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को एक साथ जोड़ के रखता है, जबकि जो थर्मल एनर्जी है, जो हीट एनर्जी इसके अंदर कंटेंड है, जो हीट एनर्जी से प्रोवाइड किया जाता है, उस एनर्जी का बिहेवियर ये होता है कि वो इन कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को रैंडम डायरेक्शन में मूव करवाता है, जिससे कि ये एक दूसरे से दूर जाने का टेंडेंसी रखता है। तो इससे आप समझ रहे होंगे कि एक सब्सटेंस के अंदर इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उन पार्टिकल्स में दो तरह का जो इंटर कन्फ्लिक्टिंग फैक्टर है वो काम करता है, एक तो बाइंडिंग फोर्सेस जो कि इनको जोड़े रखता है और दूसरा थर्मल एनर्जी जो कि इनको एक दूसरे से दूर ले जाता है। तो इस लड़ाई में जो हावी रहता है उसी से डिसाइडेड होता है कि वो सब्सटेंस उस टेम्परेचर में, उस प्रेशर में किस फॉर्म में रहेगा, क्या वो सॉलिड फॉर्म में रहेगा या फिर लिक्विड या गैसेस फॉर्म में रहेगा। देखिए, अगर बाइंडिंग फोर्सेस ज़्यादा हो, थर्मल एनर्जी से बाइंडिंग एनर्जी अगर ज़्यादा हो, तो उस केस में ये सॉलिड फॉर्म में होगा। क्यों सॉलिड फॉर्म में होगा? क्योंकि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है वो एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ रहेगा। जबकि जैसे ही थर्मल एनर्जी हावी होने लगता है उस समय ये सारे जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स है इसके बीच का बॉन्ड जो है वो वीकन कर जाता है, जिसके कारण वो मूव कर सकता है, वो फ्लो कर सकता है, जो कि हमें लिक्विड्स में दिखता है। और जब थर्मल एनर्जी और ज़्यादा बढ़ जाता है उस समय वो गैसेस स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, उस समय थर्मल एनर्जी पूरी तरह से हावी हो जाता है। इसीलिए आप देखेंगे किसी भी सॉलिड का टेम्परेचर बढ़ाने से, वैसे टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब होता है इसमें हीट कंटेंट का बढ़ना,
तो जब इसमें हीट एनर्जी बढ़ता है, थर्मल एनर्जी आता है, तो उस समय इसके जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं इसमें दूर जाने का टेंडेंसी जो है वो बढ़ जाता है। हेंस ये लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होता है। जब ये टेम्परेचर और बढ़ाया जाता है उस समय ये गैसेस स्टेट में कन्वर्ट होता है। तो ये तो था बाइंडिंग फोर्सेस के बारे में कुछ बेसिक सी बातें। हम आगे के वीडियोस में बाइंडिंग फोर्सेस, अलग अलग तरह के बाइंडिंग फोर्सेस पे और भी थोड़ा बहुत बात करेंगे। फिलहाल चलिए रुख करते हैं स्ट्रक्चर के तरफ। सॉलिड के प्रॉपर्टीज़ उसके स्ट्रक्चर पे भी डिपेंड करता है। स्ट्रक्चर से हमारा ये मतलब होता है कि जो भी सॉलिड्स के कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, वो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो खुद को अरेंज कर रहा है, जिस तरह का वो स्ट्रक्चर बना रहा है, वो स्ट्रक्चर क्या वो किसी ऑर्डर में है या किसी ऑर्डर में नहीं है, और अगर ऑर्डर में है तो उसका ऑर्डर किस तरह का ऑर्डर है। तो इन सब चीजों के बारे में हम काफी डिटेल्स में इस चैप्टर में बात करने वाले हैं। फिलहाल तो ये देख ले कि जब किसी सॉलिड में उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का कोई भी ऑर्डर नहीं होता है अरेंजमेंट में, उस तरह के सॉलिड्स को हम अमॉर्फस सॉलिड कहते हैं। यहाँ पर ये जो मॉर्फ शब्द है ये ग्रीक वर्ड है एक, इसका मीनिंग होता है शेप, और जब उससे पहले ये ए लगा हुआ होता है तो इसका मतलब हो जाता है नो। तो अमॉर्फस से हम ये समझते हैं कि इसके पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कोई ऑर्डर नहीं होता है, और जब कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑर्डर में होता है तो उस समय सॉलिड को कहा जाता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो इस हिसाब से जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके अरेंजमेंट के ऑर्डर के हिसाब से हम सॉलिड्स को बेसिकली दो कैटेगरीज में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक होता है अमॉर्फस सॉलिड और दूसरा होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड। यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि सेम केमिकल कॉम्पोजिशन, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल सिलिकन डाइऑक्साइड, सेम केमिकल कॉम्पोजिशन से बना हुआ सॉलिड ये अमॉर्फस फॉर्म में भी हो सकता है और ये क्रिस्टलाइन फॉर्म में भी हो सकता है। सिलिकॉन डाइऑक्साइड का केस देखें तो ये जब सॉलिड बनाता है, हो सकता है इसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स किसी भी खास ऑर्डर में ना हो, तो यहां पर आपको कोई ऑर्डर नहीं दिख रहा होगा, ये रैंडमली ओरिएंटेड है और रैंडम अरेंजमेंट है। और ऐसा भी हो सकता है कि सिलिकॉन डाइऑक्साइड एक ऑर्डरली पैटर्न बनाए। इस तरह के सॉलिड्स को हम क्रिस्टलाइन सॉलिड कहेंगे और इस तरह के सॉलिड को हम अमॉर्फस सॉलिड कहेंगे। यहाँ पर आप ध्यान दें, बहुत ध्यान दें कि यहाँ पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड का जो क्रिस्टलाइन फॉर्म आपको दिख रहा है ये इसका टू डाइमेंशनल रिप्रेजेंटेशन है। थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन जो कि इसका ट्रू रिप्रेजेंटेशन होगा, वहाँ पर स्ट्रक्चर एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा बल्कि इससे थोड़ा डिफरेंट होगा। जहाँ पर आपको ये प्लेनर शेप दिख रहा है, ट्रायंगुलर शेप, यहाँ पर टेट्राहेड्रॉन होता है इन रियलिटी। और इन रियलिटी थ्री डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन में आप ये पाएंगे कि ये जो सिलिकन है, ये सिलिकन चार ऑक्सीजन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाया हुआ होता है। भले ही इसका केमिकल कॉम्पोजिशन SiO2 हो, लेकिन सिलिकन जब ये सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन फॉर्म बनाता है उस समय ये दो और ऑक्सीजन्स के साथ बॉन्ड बनाता है। और साथ ही हर एक ऑक्सीजन एटम चूंकि दो दो सिलिकन एटम्स के साथ बॉन्ड बनाता है, इसीलिए इसका फॉर्मूला सिलिकन डाइऑक्साइड ही रह जाता है। तो ये मैंने आपको कह दिया ताकि ये जो धोखा है टू डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन का, ये धोखा आपके दिमाग में ना रहे। इन रियलिटी थ्री डायमेंशनली इसका शेप थोड़ा आपको डेफिनेटली अलग दिखने वाला है। अब ये जो क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड है इसे क्वार्ट्ज कहा जाता है, और अमॉर्फस सिलिकॉन डाइऑक्साइड को कहा जाता है क्वार्ट्ज ग्लास। इन दोनों के स्ट्रक्चर में डिफरेंस होने के कारण इनके प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंसेस आ जाते हैं। जैसे चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम लोग मेल्टिंग पॉइंट पे। अब किसी भी एक रीजन को कंसीडर करें, चलिए मैंने इस छोटे से रीजन को कंसीडर कर लिया और एक रीजन ऐसा ही कंसीडर कर रहे, चलिए मैंने ये कंसीडर कर लिया। अब आप गौर करें इन दोनों रीजन्स में डिफरेंस क्या है।
आप इनके नेबरिंग एटम्स को देखें तो इसके जो नेबरिंग एटम्स है ये इस पे इन्फ्लुएंस डालेगा। तो यहाँ पर ये इस पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है, ये इस पे इन्फ्लुएंस डाल रहा है, ये भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है, ये भी इन्फ्लुएंस डाल रहा है। वैसे इसके अगर नेबरिंग एटम्स को देखें तो ये इसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये थोड़ा बहुत कर रहा है, ये इसे इन्फ्लुएंस कर रहा है, ये इसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। लेकिन दोनों ही केसेस में जो नेबरिंग एटम्स है उसका डिस्टेंस इस रीजन से वो अलग अलग होगा और नेबरिंग एटम्स का नंबर्स भी अलग अलग होंगे क्योंकि यहाँ पर ये रैंडमली ओरिएंटेड है। इसके कारण क्या होगा, देखें यहाँ पर ये बॉन्ड टूटने के लिए जितना एनर्जी चाहिए होगा शायद ये बॉन्ड टूटने के लिए इतना एनर्जी ना चाहिए हो, शायद ये वाला बॉन्ड टूटने के लिए इतना एनर्जी ना चाहिए हो, क्योंकि दोनों के लिए सराउंडिंग्स जो है वो सराउंडिंग्स अलग अलग है, अलग अलग एटम अलग अलग तरह से इसे इन्फ्लुएंस कर पा रहा है। तो बॉन्ड टूटने के लिए एनर्जी दोनों केसेस में अलग अलग होंगे। तो बॉन्ड टूटना मतलब क्या होगा, यहाँ पर बॉन्ड टूटना मतलब होगा मेल्टिंग, सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट में जस्ट कन्वर्ट होना। तो ये मेल्टिंग पॉइंट, कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट आपको नहीं मिलेगा। अगर मान ले ये अमॉर्फस सिलिकॉन डाइऑक्साइड है और इसे टेम्परेचर बढ़ाया गया, इसका हीट प्रोवाइड किया गया, हो सकता है थोड़ा सा रीजन यहाँ पर मेल्ट करने लगे, फिर कुछ देर बाद यहाँ का रीजन मेल्ट करने लगे, फिर यहाँ मेल्ट करने लगे, फिर बीच से मेल्ट करने लगे, तो ऐसा हो सकता है। ये इसके सराउंडिंग्स में जो डिफरेंस है इसके कारण ये अराइज हो रहा है। लेकिन ये चीज़ आपको क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड में नहीं दिखेगा। हम अगर इसे कंसिडर कर लेते हैं और अगर मान ले आप इसे कंसीडर कर ले तो दोनों के लिए जो नेबर्स हैं वो बिल्कुल आइडेंटिकल है। आप गौर करें दोनों के लिए बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। आप कहीं भी एक रीजन को कंसीडर करें वो रीजन किसी दूसरे रीजन के साथ बिल्कुल आइडेंटिकल होगा। इसका मतलब बॉन्ड टूटने के लिए एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए होगा, मतलब एक फिक्स्ड टेम्परेचर में ये मेल्ट करेगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर मेल्टिंग पॉइंट जो है ये शार्प नहीं है अमॉर्फस के केस में, लेकिन क्रिस्टलाइन के केस में, क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत शार्प होता है। इसी तरह से हमें अलग अलग और भी प्रॉपर्टीज़ में डिफरेंस दिखता है, जैसे कि चलिए बात कर लेते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की और इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस की। मान ले कि एक लाइट बीम इस अमॉर्फस सिलिकॉन डाइऑक्साइड से ऐसे पास हो रहा है और एक दूसरा लाइट बीम कुछ इस तरह से पास हो रहा है। अब अगर इस लाइट बीम को आप कंसीडर करें तो ये कुछ सिलिकॉन एटम के साथ इंटरैक्ट करते हुए जाएगा, कुछ ऑक्सीजन एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा। अगर ओवरऑल काउंट किया जाए तो ये एक सिलिकॉन एटम के साथ अगर इंटरैक्ट करेगा तो दो ऑक्सीजन एटम के साथ इंटरैक्ट करेगा, क्योंकि इसका कॉम्पोजिशन जो है ये देखिए एक सिलिकॉन दो ऑक्सीजन, और चूंकि सिलिकॉन और ऑक्सीजन रैंडमली ओरिएंटेड है, बिल्कुल रैंडमली सिचुएटेड है, इसीलिए कि एक सिलिकॉन एटम मिलेगा इसे रास्ते पे तो दो ऑक्सीजन एटम्स मिलेंगे। वो इसके साथ भी होगा, इस रे के साथ भी वही होगा, इस बीम के साथ भी वही होगा कि एक सिलिकॉन मिलेगा इसे तो दो ऑक्सीजन मिलेगा इसे, तो इसी रेशियो में इसका इंटरैक्शन होगा 1:2 के रेशियो में। लेकिन क्रिस्टलाइन सिलिकॉन डाइऑक्साइड के केस में ऐसा नहीं होगा। एक सिंपल एग्जांपल कि अगर लाइट रे इस तरह से पार हो और अगर लाइट रे इस तरह से पार हो तो ये जो इंटरैक्शन होगा इनका, रास्ते में जो एटम्स के साथ इंटरैक्शन होगा वो एंटायरली डिफरेंट सिनेरियो क्रिएट कर रहा है। ये देखें फिगर में जो दिख रहा हमें इस इमेज में, ये सिर्फ ऑक्सीजन 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 के साथ ही इंटरैक्ट कर रहा है, जबकि ये सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों के साथ ये लाइट बीम इंटरैक्ट कर रहा है। तो इससे आप ये समझ पा रहे होंगे कि अगर अमॉर्फस सिलिकॉन डाइऑक्साइड हो या फिर अमॉर्फस किसी भी तरह का सॉलिड हो तो उसके केस में क्या होगा, अगर वो ट्रांसपेरेंट होता है तो जो लाइट बीम क्रॉस करेगा चाहे किसी भी डायरेक्शन में वो जाए, उसका इंटरैक्शन जो है वो इंटरैक्शन सेम होगा, एटम्स के साथ इंटरैक्शन सेम होगा, एटम्स का इन्फ्लुएंस उस पर सेम होगा। मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये सेम होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये फिक्स्ड होगा, ये फिक्स्ड है, इधर से जाए
जो इंटरेक्शन होगा इधर से जाए वही इंटरेक्शन होगा। लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होता है। इस डायरेक्शन में अगर लाइट बीम जाए तो ये जिन एटम्स के साथ इंटरैक्ट करेगा, अगर उसका डायरेक्शन बदल दिया जाए तो वो इंटरैक्शन भी बदल जाता है। इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है ये नॉट फिक्स्ड। एक डायरेक्शन में एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा तो दूसरे डायरेक्शन में दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकल के आएगा। और यही चीज़ इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस पे भी लागू होता है। अगर मान ले बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है और बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स अगर उस डायरेक्शन में मूव ना करें इस डायरेक्शन में मूव करें, तो दो अलग अलग, सपोज दिस इज करंट आई वन और दिस करंट आई टू, सो दो अलग अलग डायरेक्शन में जो करंट है उसका इंटरेक्शन अलग अलग एटम्स के साथ होगा लेकिन सेम रेशियो में होगा। लेकिन यहां पर क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में ऐसा नहीं होगा। अगर इधर से इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है इस पाथ में तो वो सिलिकॉन और ऑक्सीजन दोनों के साथ इंटरैक्ट करेगा, और अगर इस पाथ में करंट मूव कर रहा है तो उसका इंटरैक्शन थोड़ा अलग होगा। मतलब रेजिस्टेंस के केस में भी हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टेंस भी इसमें फिक्स्ड होता है अमॉर्फस सॉलिड्स में, लेकिन क्रिस्टलाइन सॉलिड में डायरेक्शन, करंट के डायरेक्शन को चेंज करने से ये इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस भी फिक्स्ड नहीं रह जाता है, ये भी चेंज कर जाता है। इसीलिए अमॉर्फस सॉलिड्स को आइसोट्रोपिक सॉलिड कहा जाता है। आइसोट्रोपिक सॉलिड क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर बिहेवियर रखता है, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स को अनआइसोट्रोपिक कहा जाता है क्योंकि ये चारों तरफ से बराबर बिहेवियर नहीं रखता है। अब चलिए कुछ और प्रॉपर्टीज के बारे में बात कर लेते हैं, जैसे कि क्लीवेज प्रॉपर्टी। अगर एक अमॉर्फस सॉलिड को एक शार्प टूल से काटा जाता है, यहाँ से काटा जाता है, तो इसका जो प्लेन बनता है ये प्लेन इररेगुलर बनता है। जहाँ से ये कटता है या टूटता है ये इररेगुलर होता है, ये नया प्लेन जो बनता है। लेकिन अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड को इसे एक शार्प एज टूल से काटा जाता है तो ये जो नया सरफेस बनता है, यहाँ से मान ले काटा गया इस जगह से, तो ये जो नया सरफेस बनता है ये नया सरफेस बहुत स्मूथ बनता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें लॉन्ग ऑर्डर होता है, ये काफ़ी ऑर्डरली अरेंज्ड होता है, और चूंकि ये ऑर्डरली अरेंज्ड नहीं होता है तो इसका जो नया सरफेस बनता है वो भी बड़ा इररेगुलर सा होता है। तो ये थे कुछ बेसिक डिफरेंसेस अमॉर्फस और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स पे। अब आगे हमें और भी बहुत सारी चीज़ों को कवर करना है, तो उन सब के बारे में हम आगे के वीडियोस में बात करेंगे। तो आज के इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म किया जाए। तो नेक्स्ट वीडियो का लिंक आपको यहाँ पर स्क्रीन पे दिख जाएगा, वहाँ क्लिक करके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। अब जाते जाते मैं आपको बता दूँ कि इस पूरे चैप्टर स्टैंडर्ड 12th के लिए सॉलिड स्टेट्स, इस पूरे चैप्टर का जो प्लेलिस्ट होगा उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो आई होप कि जल्द से जल्द आपसे मुलाकात होगी। तो मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।